तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं बागा में हूँ। बागा बीच के पास में मैंने स्टे लिया है, वहाँ पर हूँ। हालांकि पहले मेरा होटल अलग था, लेकिन बाद में मैंने होटल चेंज कर लिया क्योंकि यहाँ पर होटल वाले रेट काफ़ी तेज़ी से चेंज करते हैं, हर डे रेट चेंज हो जाता है। तो पहले मैंने जो रूम लिया था वो 1500 रुपये वाला था और उसके बाद उसने बोला कि 2500 रुपये आपको चार्ज देना होगा। तो मैंने वहाँ से चेकआउट कर लिया और मैं इस होटल में आया हूँ। ये पीछे रूम है मेरा, मैं आपको रूम दिखाता हूँ। तो मैंने जो रूम पहले लिया था उससे बढ़िया रूम है ये, और वो भाई साहब 2500 रुपये मांग रहे थे तो मैंने ये 1500 में ही बुक कर लिया। और लोकेशन भी काफ़ी बढ़िया, देखो मेन रोड पे है ये। तो आज फाइनली नॉर्थ गोवा छोड़ के हम साउथ गोवा की तरफ जाएंगे, लेकिन जाते समय बीच में हम वाटर स्पोर्ट्स करके जाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक पैकेज बुक किया है, सुबह 8 बजे से शाम को 4 से 5 बजे तक का ये पैकेज रहता है। और 1700 रुपये में मैंने ये पैकेज बुक किया है जिसमें 5 वाटर एक्टिविटी होती है और स्कूबा डाइविंग होती है। तो अभी यहाँ पर गाड़ी आएगी जो हमें पिकअप करेगी और हम यहाँ से जाएंगे वाटर स्पोर्ट्स करने ग्रैंड आइलैंड। हाँ बस आ गया है, चलते हैं। बहुत लेट कर दिया मनीष, आते ही नहीं ना लोग, खाली पड़ा है बस। तो बस ने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया है और अभी यहाँ से हम आगे जा रहे हैं बोट के लिए। एक घंटा लगा हमें यहाँ पहुँचने में और ये जगह दोना पोला है जो कि पंजी में है। बस ने जहाँ हमें ड्रॉप किया वहाँ से लगभग 300 मीटर नीचे आए हैं और यहाँ पर ये बोट है जिसमें हमें जाना है आगे। और इस तरफ यहाँ पर एंट्री हो रही है, जो पेमेंट बाकी है वो पेमेंट यहाँ से कलेक्ट किया जा रहा है और आपको एक नंबर दिया जाता है। नंबर है यहाँ क्या है पता नहीं, कुछ कम लिखा हुआ है, COM। तो मैंने पेमेंट कर दिया है, अभी इस तरफ चलते हैं बोट के लिए। मैंने लास्ट वीडियो में आपको दोना पोला अच्छे से बताया था, अगर आपको दोना पोला देखना है तो देख लेना, लास्ट वीडियो में आपको मिलेगा। और काफ़ी बढ़िया जगह है ये, बहुत अच्छा आगे व्यू पॉइंट है, हालांकि यहाँ से नहीं दिखेगा, अगर बीच में से दिखा तो मैं एक बार फिर से दिखा दूंगा बाहर से, लेकिन जगह बहुत अच्छी है। इसी जगह पर सिंघम पिक्चर की शूटिंग हुई थी, जो अजय देवगन जो गुंडों को दौड़ा के मारता है वो इसी जगह पर शूट हुआ था, दोना पोला में। तो ये वाली बोट है हमारी, इसमें जाना है। तो जूते निकाल दिए हैं और पैंट भी ऊपर चढ़ा लिए, आगे चलते हैं। तो बोट के अंदर आ गया हूँ मैं और बड़ी प्यारी नीली नीली बोट है, देखो ब्रेकफास्ट रेडी रखा है, चाय वाय भी है ना? चाय नहीं सर। अरे ऐसा मत करो जुल्म यार, हमने तो चाय नहीं पिया सुबह यार। हैं, चाय का अरेंजमेंट करो यार, मैं बियर वो अलग है, चाय का काम चाय करता है। तो एंकर निकाल दिया है नीचे से और बोट आगे की तरफ बढ़ रही है। करीब आधा घंटा लगेगा यहाँ से हमें बीच समुद्र में जाने में, 25 से 30 किलोमीटर अंदर जाएंगे हम समुद्र में और उस जगह को ग्रैंड आइलैंड कहते हैं जहाँ पर सारी एक्टिविटी होती है। तो ब्रेकफास्ट मिल रहा है, क्या है ये, वेज सैंडविच है। मैंने चाय नहीं पिया आज सुबह से, मुझे लगा नाश्ते के साथ में चाय भी मिलेंगे, लेकिन ये बोलते हैं यहाँ पर चाय नहीं मिलता, यहाँ पर सीधा बियर मिलता है। तो मेरा चाय बाकी है आज का। तो यहाँ पर हमें वाटर स्पोर्ट्स करना है, हम लोग पहुँच गए हैं ग्रैंड आइलैंड पर। ये पीछे जो आपको आइलैंड दिख रहा है इसी को ग्रैंड आइलैंड कहते हैं।
तो इस बोट में हमें बैठना है और यहाँ से हमें इस पानी में करवाई जाएगी वाटर एक्टिविटी। तो करीब 5 मिनट से बोट में हम बैठे हैं, यहाँ पर आइलैंड के पास में बोट खड़ी है। थोड़ी देर में यहाँ पर ब्रीफ करेंगे किस तरह से हमें क्या करना है, किस तरह से स्कूबा होगा, सब बताएंगे। बाकी काफ़ी इंटरेस्टिंग लोग मिले मुझे यहाँ पर, ये 4 लोग है। हेलो, हाय हाय। तो ये लोग धुले से है ना आप? महाराष्ट्र धुले डिस्ट्रिक्ट से है। ये धुले से है और यहाँ पर ये मैडम मिली हमें। और आप कहाँ से है? यूपी कानपुर से। हाँ, तो ये कानपुरिया है हमारे। और आप? उत्तर प्रदेश प्रयागराज। अच्छा, प्रयागराज, वेरी गुड। तो अभी तो उत्साह काफ़ी हाई था लेकिन एकदम साइलेंस हो गया, पता नहीं क्यों एकदम सब चुप हो गए। मैं बोल रहा हूँ इसीलिए चुप हो गए, क्यों चुप हुए पता नहीं मुझे। अंत समय आ गया है, इसके बाद का बस सफर कौन कौन तय करेगा ये सोचना है। यहाँ ऐसा तो नहीं है, जो लोग ऐसा आ तो गए हिम्मत करके, लेकिन अब स्कूबा होने वाला है तो तैयारी के लिए साइलेंस मेंटेन किया है। अच्छा, ये इधर हमारे इन्होंने कोडवर्ड दिया है तो दूसरा कोडवर्ड वालों को बुला रहे, अपना दूसरा कोडवर्ड है। अभी हमारे यहाँ पे स्कूबा डाइविंग होएगा, ओके? स्कूबा डाइविंग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 4 सिग्नल याद रखने हैं। अंडर वाटर हम लोग एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, इसके लिए 4 बेसिक हैंड सिग्नल्स है, ओके? ये जो सिग्नल है ये ओके सिग्नल है, दिस इज नॉट ओके। कुछ प्रॉब्लम है आपको, प्रॉब्लम बताना है। मुँह में पानी आ रहा है, ये मास्क में पानी आ रहा है, या कानों में दर्द हो रहा है, ओके? जो भी प्रॉब्लम है दिखाओ। अगर प्रॉब्लम सॉल्व होते पानी के अंदर सॉल्व करेंगे, नहीं तो अप ऊपर आना है और डीप में जाना है। कितने लोगों को स्विमिंग आता है? स्विमिंग आता है और किसी को आता है? नहीं। ओके, जिनको स्विमिंग आता है वो लोग स्विमिंग बिल्कुल भी नहीं करेगा। किसी को भी स्विमिंग नहीं करना है। स्कूबा डाइविंग आपका नॉन स्विमिंग एक्टिविटी है, ओके? अगर आप स्विमिंग कर रहे हो ना, मैं आपको डीप में लेके गया हूँ, नीचे रॉक से कोरल से आप स्विमिंग कर रहे हो ना, तो आपको कट्स आ सकते हैं। इसके लिए बिल्कुल भी स्विमिंग नहीं करना है आपको। ये वाला मास्क है, ओके? मैग्नीफाइड ग्लास वाला मास्क है। जिनको भी स्पेक्स है आपको स्पेक्स निकल के आने हैं, इसमें दिख जाएगा अप टू -5 तक इसमें दिख जाता है। ये जो आप देख रहे हो ये वाला रेगुलेटर है, ओके? हम लोग इसको डिमांड ऑल भी बोलते हैं। इसको डिमांड ऑल किस लिए बोलते हैं हम लोग? आप इसको जितना डिमांड करोगे ब्रिथ के लिए उतना ही आपको ब्रिथ सप्लाई करेगा। ये दोनों ब्रिजल आपको दांतों में बाइट करना है, दांतों में बाइट, ओके? और जो नीचे वाला पोर्शन है इधर आपको लिप्स को ओ बना के पाउच रखना है, स्टेबल स्टेबल रखना है। लिप्स का आगे पीछे नहीं करना है। अगर लिप्स का मूवमेंट करोगे तो मुंह के अंदर पानी घुस जाएगा। गलती से किसी के मुंह के अंदर पानी घुस भी गया तो क्या करना है आपको? इसके पीछे जो बटन है पंच बटन, इसको सिर्फ 1/2 सेकंड के लिए प्रेस करना है, सिर्फ 1/2 सेकंड। सो मुंह के अंदर से पानी सब बाहर निकल जाएगा, ओके? मास्क पहनाने के बाद नोज पॉकेट फुल्ली क्लोज, दांतों में बाइट, लिप्स पाउच एंड कंटिन्यू ब्रीथ, ओके? यहाँ पर ब्रीफ करते हैं तो ब्रीफ करने से आधे लोग डर जाते हैं। स्टार्ट हो गया स्कूबा। तो एक बार में 2 लोगों को स्कूबा करवाया जाता है, जिसमें ये 2 डाइव मास्टर होते हैं साथ में और 1 कैमरामैन होता है जो आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। तो अभी लगभग 12:30 बज रहे हैं और 2-2.5 घंटा यहाँ पर स्कूबा होगा, उसके बाद में लंच होगा और उसके बाद में हम यहाँ से फिर से आगे बढ़ेंगे जहाँ से हम आए थे। बाकी की सारी एक्टिविटी वहाँ होगी। देखो लोग एंजॉय कर रहे हैं, फुल मस्ती के मूड में हैं। तो स्कूबा हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं और प्रिपेयर हो रहे हैं पहले से देख के उसको कि मुझे भी जाना है तो कैसे जाना है। और आधे लोगों के दिल में धक धक हो रहा है। तो सूट पहन लिया है मैंने, यूनिफॉर्म में आ गया हूँ, रेडी हूँ एकदम नीचे जाने के लिए। धक धक हो रहा है लेकिन जाना तो पड़ेगा क्योंकि पहली बार स्कूबा कर रहा हूँ, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो नीचे चलते हैं। तो चलते हैं नीचे, पूरी ट्राई करेंगे, देखते हैं क्या होता है।
आधा तो ये नाक दबने की वजह से आदमी टेंशन में आ जाता है। नाक से सांस लेने की बुरी आदत पड़ी हुई है। तो बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस था। मैं थोड़ा ही गया और 5 मिनट का स्कूबा होता है तो मुश्किल से मैं आधा 1 मिनट नीचे गया फिर वापस आ गया, वो भी नहीं गया था। तो पहली बार था तो काफ़ी डर लगता है और फर्स्ट टाइम स्कूबा ऐसा ही होता है मेरे ख्याल से, 2-3 बार जब करते हैं तब प्रैक्टिस हो जाता है। तो थोड़ा नाक में पानी जा रहा था और ऑक्सीजन खींचने के समय दम काफ़ी लगाना पड़ता है और जब छोड़ते हैं ना तो बुलबुले काफ़ी उठते हैं, तो थोड़ा सा हल्का सा डर लगता है। तो लेकिन ठीक था, ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था। अगली बार फिर से कोशिश करेंगे कहीं और। स्कूबा के साथ साथ पानी में छप छप करने का भी अपना मजा है। मजा आ गया, स्कूबा का आधा मजा लिया, आधा मजा यहाँ ले लिया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो ये नज़ारा है, थोड़ी देर पहले मैं नीचे था अभी ऊपर आ गया हूँ। और ये ग्रैंड आइलैंड है जहाँ पर ये सारी एक्टिविटी होती है स्कूबा की। इन्होंने काफ़ी ट्राई किया स्कूबा करवाने का, 2 से 3 बार मुझे ऊपर नीचे लेके गए लेकिन मैंने हर बार ऐसा बोल दिया ऊपर चलो। घबराहट ज़्यादा थी और पहली बार था, अगली बार फिर ट्राई करेंगे। थैंक यू भैया। तो समय हो गया पेट पूजा करने का। नीचे स्कूबा में गए तो पेट में थोड़ा कुछ था वो भी खाली हो गया। बहुत टाइम लगता है, वजन लगता है अंदर, भारी लगता है और बहुत प्रेशर आता है अंदर। तो भूख लग रही है, थोड़ा खाना पीना करते हैं। हाँ भाई, खाना बराबर है, बढ़िया है। वेज खा रहे हो? वेज, प्योर वेज। क्या है वेज में खाने में? छोले की सब्जी। छोले की सब्जी? अच्छा, चावले की सब्जी, दाल चावल और सलाद और रोटी। अच्छा, बोट का एंकर निकाल लिया है और अभी बोट थोड़ी आगे की तरफ बढ़ेगी। हमारी बोट वहाँ पर आगे है उस तरफ में, तो अभी हम फिर से थोड़ा अंदर की तरफ जा रहे हैं पैरासेलिंग करने के लिए। तो पैरासेलिंग शुरू हो गया है, देखो आप, एक बंदा पैरासेलिंग कर रहा है, सबसे फर्स्ट बंदा है ये। हमारा भी नंबर आएगा। तो चलते हैं पैरासेलिंग के लिए। चलो बैठो बैठो, बस हल्का करेगा।
अभी हाइट पे आए, देखो क्या मजा आ रहा है, एकदम हाइट पे हैं हम। नज़ारा देखो कितना बढ़िया, ऊपर पैराशूट है और बोट इतना नीचे है, वाह नज़ारा बहुत अच्छा दिखता ऊपर से। बहुत हाइट पे हूँ मैं इस वक्त, देखो बोट कितना दूर है नीचे। तो दोनों आज छोड़ दिया, एकदम फ्री हो गया हूँ मैं, देखो आप मज़ेदार, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। अभी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। मैंने भी 200 पे किया था इसलिए काफ़ी देर तक ऊपर रहा, मज़ा आ गया। तो इसमें कपल साथ में पैरासेलिंग कर रहे हैं, देखो सीनियर सिटीजन है ये, अभी पैरासेलिंग कर रहे हैं। आंटी को जाना नहीं था, हमने फोर्स करके भेज दिया। अरे आंटी को मजा आ गया। तो ये बीच भी काफी बढ़िया है, देखो आप, इस बीच को वैंगनम बीच कहते हैं जो कि पंजी में है, और ये भी अच्छा बीच है। इस तरफ में ये पीछे रिसोर्ट वगैरह बने हुए हैं और यहीं पर ये सारा वाटर स्पोर्ट्स होता है। सामने वहाँ पर उनका वो स्टॉल है जहाँ से वाटर स्पोर्ट्स ये लोग करवाते हैं। तो अभी हम करेंगे बनाना राइड, यहाँ पर टोकन दिया जाएगा राइड के लिए। हेलो, मोबाइल रखने का है मेरा फोन भाई। तो सबसे पहले बनाना राइड के लिए जा रहे हैं और काफ़ी मज़ा आने वाला है, चलते हैं बनाना राइड के लिए। तो हम लोग आ गए हैं बोटिंग करके, पूरी एक्टिविटी करके सारे लोग, कैसा लगा सबको? बहुत अच्छा, ये और ज्यादा मजा। तो सबने बहुत एंजॉय किया आज, और करीब करीब 6 घंटे साथ में रहे हम लोग, है ना? बहुत एंजॉय किया सब लोगों ने मिलके। तो अभी हम लोग बाहर आ गए हैं बोट से और ये मेरा बैग ले लेके घूम रहा है कब से पीछे पीछे। तो आज का दिन खत्म होता है, शाम के 6:30 बज गए, सारी वाटर एक्टिविटी कर ली हमने और पैकेज के हिसाब से, रेट के हिसाब से जो हमें मिला वो सब कुछ सही था। तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, जितना इन्होंने पैसा लिया और जो पैकेज था उस हिसाब से इन्होंने काम दिया है। 1500-1700 में ये लोग आपको स्कूबा करवाते हैं और उसके अलावा पैरासेलिंग करवाते हैं, एक्टिविटी करवाते हैं, 2 बियर मिलती है आपको, ब्रेकफास्ट मिलता है, लंच मिलता है, तो इनफ है। अगर आपको रॉयल चाहिए कुछ तो उसके लिए आपको ज़्यादा पैसा देना होगा, सीधी सी बात है। तो कुल मिला के अच्छा एक्सपीरियंस है, आप कर सकते हो। अगर आपको लो बजट में करना है, नॉर्मल करना है, तो ये बहुत अच्छा है। तो शाम के करीब 6:30 बज गए, सनसेट होने वाला है, तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये था आज का वीडियो जिसमें आपने देखा गोवा का वाटर स्पोर्ट्स जो कि काफ़ी मशहूर है और काफ़ी बढ़िया होता है, और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तुम्हारा खूब खूब आभार। आप जो